तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बताऊंगा कि आपका जो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन है, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से ईटॉप थंबनेल कैसे बनाते हैं एकदम प्रोफेशनल की तरह, एकदम अच्छी तरह से बना सकते हैं आप। लैपटॉप में जिस तरह से एडिट करते हैं उसी मुझी तरह से आप पिक्सआर्ट से अपना जो ईटॉप थंबनेल है वो बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना यार, सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरा हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन है वो आपको ओपन करना होगा, ठीक है। तो मैं जो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद आपको अभी क्या करना होगा, अब आप देख सकते हैं जो प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है आपको, ये प्लस एकदम करना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप टैप कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली नीचे स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट न्यू बोल रहा है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आपको टैप करना होगा, ठीक है। यहाँ पे टैप करने के बाद कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपका जो यहाँ पे थ्री डॉट का सिंबल दिखाई दे रहा है, ठीक है गाइस। तो इस थ्री डॉट में आपको क्लिक करना होगा। थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद आपको न्यू में जाना होगा। न्यू पे क्लिक कीजिएगा। न्यू में क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 1280x720 पिक्सल इसको आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब का जो थंबनेल होता है तो इतना होता है, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और कोई सा भी एक बैकग्राउंड आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। तो चलिए कोई सी भी एक बैकग्राउंड मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं ये जो बैकग्राउंड है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको कर देता हूँ, बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया। अभी अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सिंपली मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि आपका जो भी आप एडिट करना चाहते हैं, जो भी आपका यूट्यूब वीडियो है वो वीडियो के ऊपर आपको थंबनेल बनाना चाहिए। तो अगर यहाँ पे आप आपका जो फ़ोटो है, अपने जो फ़ोटो है, फ़ोटो देना चाहते हैं, फ़ोटो भी आप दे पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो एरर का सिंबल आ रहा है यहाँ पे आपको एरर में क्लिक करना होगा, ठीक है। और नीचे आना होगा एडिट इमेज में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टैप करना होगा। तो मैं यहाँ पे टैप कर देता, ठीक है। टैप करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड फोटो का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आपको सिंपली ऐड फोटो के ऊपर टैप करना होगा। ऐड फोटो के ऊपर टैप करने के बाद आपको कोई सा भी एक इमेज आपको सोर्स करना होगा, ठीक है। तो मेरा जो ये इमेज है ये मैं चूज कर लिया, इसको थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं जो ये जो इमेज है इसको मैं थोड़ा क्रॉप कर लिया, ठीक है। इसको भी कर रहे डन। डन करने के बाद इस इमेज को मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अगर इसके पिक्सर के साइड में कोई से भी बॉर्डर देना चाहते हैं, आप जो बॉर्डर जो है बॉर्डर भी लगा पाएंगे। इसके लिए आपको बॉर्डर पर क्लिक करना होगा और या फिर जो साइज है साइज पे एडजस्ट कर सकते हैं, जितना आपको साइज लेना चाहिए आप उतना ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं इतना रख दिया, अब इसको कर देते हैं डन, ठीक है। तो ये मेरा बॉर्डर है, ये बन के तैयार हो चुका है। और अगर आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं, टेक्स्ट वगैरह ये सब लिखना चाहते हैं, ये भी आप लिख पाएंगे। इसके लिए आपको पहले इसको कर देना है डन कर देना होगा, ओके कर देना होगा, ठीक है। तो मैं इसको जो है डन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कर दिया फोटो को डन। अभी मैं जाता हूँ टेक्स पर, ठीक है। टेक्स में जाने का आपसे भी जो आप लिखना चाहते हो आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए, ठीक है। यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए, ठीक है। तो इसको अभी मैं कर देता हूँ डन। डन करने के बाद
इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप कलर भी चूज़ कर पाएंगे, कोई से भी कलर ले सकते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया मेरा जो कलर है रेड ले लिया, उसके बाद इसको ब्लैक से थोड़ा कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद आप जो फ़ॉन्ट है फ़ॉन्ट भी ले सकते हैं, जो फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे। ठीक है गाइस, तो कोई सा भी एक फ़ोन आप ले पाएंगे, चूज़ कर पाएंगे। तो मैं कोई सा भी एक फ़ोन ले लेता हूँ, तो मैं जो है ये वाला फ़ोन लेता हूँ, सेकंड वाला फ़ोन ले लेता हूँ। ठीक है, तो अभी इसको करते हम डन। ठीक है गाइस, और उसके बाद आप नीचे की तरफ भी लिख सकते हैं, अभी मैं कुछ आपको लिख के दे देता हूँ, पिक्सार्ट एप्लीकेशन के पिक्सार्ट एप्लीकेशन से। ठीक है, इसको भी साइज में थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हो गया, अभी इसको हम थोड़ा कलर भी एडजस्ट कर लेते हैं, ब्लैक कलर देते हैं। ठीक है गाइस, और इसको कर देते हैं हम येलो। ठीक है, और फोन इसे देने देते हैं, उसका कर देते हैं हम डन। ठीक है, उसके बाद तो क्या कर सकते हैं, इसके यहाँ पर अगर कुछ स्टिकर लगाना चाहते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा स्टिकर पर। ठीक है, स्टिकर पर जाने के बाद ऊपर आप लिख सकते हैं यूट्यूब। ठीक है, आपको जो लेना चाहते हो आप ले सकते हैं। ठीक है गाइस, तो जो आपको लेना चाहते हो आप ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैं ये ले लिया, और इसको मैं थोड़ा साइज में छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं रख दिया। ठीक है, और अगर आपको और स्टेप चाहिए वो भी आप ले सकते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं आपके सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब लिखने के बाद कुछ इस तरह से आपके यहाँ पे आ जाएगा, तो वो भी आप ले सकते हैं। जैसे कि ये मिनी बच्चा लग रहा है, तो मैं जो है ये ले लिया। ठीक है, ले लिया, तो देख सकते हैं देखने में काफ़ी अच्छी लग रहा है। ठीक है गाइस, तो अभी हम इसको सिंपली क्या करते हैं, इसको हम डन कर देते हैं। ठीक है, डन करने के बाद इसको हम सेव कैसे करें, इसके लिए आपको जाना होगा ड्रॉ लेयर में। ठीक है, ड्रॉ में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ड्रॉ पे ऑप्शन पे क्लिक करना, उसके बाद थ्री डॉट ऑप्शन में क्लिक करके आपसे इमेज सेव इमेज में टैप कर देना होगा। सेव इमेज में टैप करने के बाद आपका जो इमेज है, पिक जो आपका ये तो थंबनेल है, फोटो है, वो अभी पूरे तरह से आपके गैलरी में सेव हो चुका है, फोटो भी तैयार हो चुका है। तो गाइस, तो दिखने में आप लोग देख सकते हैं, दिखने में कमाल का लग रहा है, ये फ़ोटो अच्छे लग रहा है, एकदम प्रोफेशनल की तरह हुआ है। तो वीडियो है लाइक अच्छे लगे तो लाइक ठोक देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखना, ताकि मैं जो है हर दिन इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।